अपने विचार तुहाडे नाल सांझे करनगे रकेश चकैत जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ए फतेह होगी फत्या, फतेह होगी, चिंता नहीं करना, फतेह होगी। सत श्री अकाल। आदरणीय, इस आप थोड़े से साइड हो लो, उधर से भी दिख जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, मैं बैठो बैठो बैठ जाओ। अच्छा सुन लो सब लोग, क्योंकि काम की बात सबसे करनी चाहिए, तो वो सुन लो। क्या पॉलिसी है, क्या हुआ आपके साथ में, क्या हुआ किसानों के साथ में, क्या नहीं होना था जो हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभा के संचालन करने वाले मेरे किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, सबसे बड़ा इशू है, जो मुद्दा है वो है, तीन जो बिल आए हैं, भारत सरकार जो बिल लेकर आई है। आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, आप लगा के आप, अरे इन्हें प्रेस वालों को मत कुछ कहो, इन्हें ना कहो कुछ, इन्हें कर लेने दो अपना काम, या ठीक काम कर ले कर दो। देखो मुद्दा कहां से शुरू हुआ, मुद्दा हुआ कि तीन बिल, एमएसपी पे कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, पुराली, बहुत स्पीड से करीब करीब 40 बिल सरकार लेकर आई और होर लाइन में है, अभी सीट भी लाइन में है। आपको बीज कौन सा बोना है वो भारत सरकार बताएगी, उसका एक कानून आ रहा है, कौन सा बीज आपको बोना है, किस कंपनी का है, उसकी क्या वो है, अगर वो कंपनी से आपने नहीं खरीदा तो किसी दूसरी कंपनी का है तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। कोई सोच सकता था कि पुराली के ऊपर मुकदमे होंगे, कोई सोच सकता था कि बिजली के थाने खुलेंगे, नया जो सीड बिल आ रहा है उसकी भी सीड पुलिस बनेगी, नया पुलिस थाने खुलेंगे बीज के। ये पूरा धंधा है कि खेती किसानी किसान के हाथ से जाए, और यहां पे जो बड़ा बड़ा व्यापारी है वो खेती किसानी को करें। ये जमीन छीनने का प्रोग्राम है, ये भूख आदमी को कितनी लगेगी, एक मजदूर को। अरे क्या बीमारी है भाई, रुको बैठ बैठ जा नीचे, क्या बीमारी है, बैठ जा नीचे, क्या कह रहा है तू, बैठ जा। अरे बीमारी है क्या, कुछ छोटा सा टंडन सा है, वही व्यापारी कर रहा, बैठ जा। क्या उड़ा दिया इसका, क्या किसी ने क्या पंजेब खोल दिया इसकी। अच्छा नहीं, ये सबसे ज्यादा बोल रहा, देखो क्या है हालात, रोटी बाजार की वस्तु ना बने ये आंदोलन उसका है। यहाँ पे जिस तरह के व्यापारी आ रहे हैं, उन्हें एक सर्वे करवाया कि सोना जो हमारी माताएं बहनें यूज करती हैं, जो सबसे महंगी धातु पूरे दुनिया की है, एक साल में 17 उसको पहरा जाता है। उनने कहा कि नहीं, व्यापार सोने का नहीं करना, व्यापार करना है जिस वस्तु को एक साल में 700 पहरा जाता हो, उसका यूज करा जाता हो, वो है अन्न, वो है रोटी, और उसकी कीमत होगी जब जितनी किसी को भूख लगेगी, भूख के आधार पर देश में रोटी की कीमत तय होगी, यह आंदोलन उसका है। हमको रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, हमको अनाज व्यापारियों की तिजोरी में बंद नहीं होने देना, ये गरीब की लड़ाई है, ये उस मजबूर की लड़ाई है जिसके पास में एक बीघा भी जमीन नहीं है, जिसके पास में एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। उस आदमी का क्या होगा, उस दुकानदार का क्या होगा जो कोने पे दुकान लगाता है, नुक्कड़ पे दुकान लगाता है, 100 को उधार सामान देता है। ये दुकानदार भी बर्बाद होंगे, ये व्यापारी भी बर्बाद होंगे, ये छोटा किसान भी बर्बाद होगा, ये बड़ा किसान भी बर्बाद होगा। जब अनाज व्यापारियों की तिजोरी में बंद हो जाएगा तो ये देश का किसान बर्बाद होगा। ये नहीं होने देना, ये लड़ाई खाली किसान की नहीं है,
ये लड़ाई हिंदुस्तान की आम जनमानस की है। आपको तोड़ने की कोशिश करी जाएगी, आपको पंजाब और हरियाणा में बांटा जाएगा, आपको सिख नॉन सिख में बांटा जाएगा, आपको छोटे बड़े किसान में बांटा जाएगा। ये सब फार्मूले फेल हो चुके हैं। अब ना किसान बटेगा ना ये देश बटेगा। ये बांटेंगे कि तीन राज्यों का वो है, कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठा हुआ, वो कहां से आया? ये इकट्ठा होगा आपके 4 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करे। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का इकट्ठा करने का है। इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टर जुड़ेंगे। हम जाएंगे हिंदुस्तान के हर गांव में जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे हिंदुस्तान के हर गांव में जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे। जो 40 जत्थेबंदी हैं वे लोग जाएंगे, संयुक्त मोर्चा जाएगा। बहुत कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा टूटेगा, ना हमारा मंच टूटेगा ना हमारा मोर्चा टूटेगा। हमारे पंच भी वही रहेंगे, हमारा मंच भी यही रहेगा, दोनों चीज यही रहेंगे। सरकार गलत फहमी में ना रहे, ना मंच टूटेगा ना पंच टूटेंगे। हमारा मंच संगू रहेगा, हमारे पंच भी यही रहेंगे। किसानों के फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार से फैसले पंच करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि लाल किले पर चले गए। अरे हम पिछले 35 साल से आंदोलन करते हैं, हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे। कोई पार्लियामेंट में गया? 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनके नेतृत्व में 8 लाख आदमी दिल्ली के वोट क्लब पे थे, 1 किलोमीटर की दूरी थी, कोई पार्लियामेंट में गया? हर पुलिस वाले ने षड्यंत्र रचा गया यहां पे। पूरा षड्यंत्र सरकार का था कि लाल किले पे उलझा दो, वहां पर वो मारेंगे। किसी एक बालक ने शाम को 7 बजे कह दिया कि लाल किले पे जाऊंगा और सुबह 9 बजे लाल किले के चोटी पे बैठा मिला। ये कौन सा षड्यंत्र है? षड्यंत्र रचने के खिलाफ धारा 120 लगती है, 120 भी, वो 302 से भी खतरनाक है 120 भी। जिसने भी षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ ये लगेगी। कौन सी एजेंसी जांच करेगी? कौन उनको लेकर गए वहां पे? कोई वहां पे कोई देश की लड़ाई थी कि देश आजाद हो गया लाल किले से? हमारे फसलों के भाव तय हो गए, हमारा मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई। 84 से भी भयंकर स्थिति होने वाली थी, सरदार को बांटने का कोशिश थी। कौन लोग थे वे जो कश्मीर में जवान को पत्थर मारता है और दिल्ली में किसान को पत्थर मारता है? क्या करप्शन है इनका, ये बताना पड़ेगा यहाँ की सरकार को। घबराने की जरूरत नहीं, ये आंदोलन लंबा चलेगा आपका, आपको सिटवाइज काम करना होगा। यह आंदोलन खाली पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये महाराष्ट्र हमारे लोग हैं। हम गए महाराष्ट्र में 2 मीटिंग करने, बड़ी बड़ी सभाएं पूरे देश भर में होगी। हमारा कोई सत्ता परिवर्तन का नहीं है, सरकार का जो काम है वो करें। हमारा काम है किसानों के बिल वापसी ले लो, MSP पे कानून बना दो, आधे रेट में फसलें किसान पूरे देश का बेच रहा है, ये अब नहीं होगा। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार हमारी कमेटी से बात नहीं करेगी, हमारे मुद्दों का समाधान नहीं करेगी। नौजवानों को फंसाने की साजिश रच रहे कि लाल किले पर जाके एक धार्मिक झंडा फहरा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती है? कहीं विवादित जगह पे झंडा फहराने की क्या धाराएं बनती है? वो कर दो, लगा दो वो धाराएं। देशद्रोह के मुकदमे, कौन सा देशद्रोह का काम कर दिया? दिल्ली के चक्रव्यूह में दिल्ली की सड़कों पे हमारे किसानों को फंसाया गया। 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में आए, 25 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में आए, एक डला किसी का नहीं लगा, एक पत्थर एक पत्ता किसी का नहीं तोड़ा। हमारे लोग वहां से निकल कर चक्रव्यूह में सब अपने गांव की तरफ चले गए। फिर प्लान बनाई कि गांव की तरफ लोग जा रहे, इनको प्रचार करो कि लोग गांव में चले गए, लोग गांव में चले गए। कोई गांव में नहीं गया था, जो हमारे 3 से 4 लाख ट्रैक्टर आए थे वे लोग गांव की तरफ जा रहे थे। हमारे मोर्चे यही हैं, पक्के मोर्चे हमारे हैं। सरकार बात कर ले, बात करने को हमारी कमेटी तैयार है। क्या मसले हैं? कौन से व्यापारी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये नहीं होगा। अब पूरे फैसले होंगे, जो मुकदमे लिखे गए हैं उनके फैसले होंगे। बातचीत से समाधान निपटेगा, बातचीत से समाधान निपटा लो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हरियाणा की खाप पंचायत को, जो हर मोर्चे पे, वो चाहे आजादी की लड़ाई हो चाहे वो दूसरी लड़ाइयां हो, हर मोर्चे पे खाप पंचायत हरियाणा उत्तर प्रदेश
जितना भी दिल्ली के चारों तरफ को जो लोग हैं वे साथ देते हैं। खाप पंचायतों का धन्यवाद है कि उन्हें साथ दिया। जितनी भी राज्य पंजाब की जत्थेबंदी है वो किसी भी नाम से काम कर रहे थे, भारतीय किसान यूनियन में किसी भी मोर्चे से काम कर रहे थे, वे अपने सब मतभेद भुला के एक मंच पाए। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं पंजाब को कि उन्होंने इसकी अगुवाई करी है। उन्होंने 2 महीने आंदोलन चलाए, हमने भी प्रदर्शन करे, लेकिन हमने 1 दिन के प्रदर्शन करे, हमने प्रदर्शन करे, रास्ते जाम करे, ज्ञापन दिए, अपने काम पर लगे रहे, लेकिन हरियाणा के लोग पिछले कई महीने से 5-6 महीने से लोग लगे हुए हैं। लॉकडाउन में जिस तरह से गुरुद्वारे लंगर हमारे गुरुद्वारों ने लगाए, जब उनको सलामी देते थे, आज वे खराब हो गए। अरे हमको नहीं छोड़ना सरदार कौम, अब की बार हमको मिली है, इसको नहीं छोड़ना। हमारे दान पुण्य हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में ठियेबंदी नहीं थी, अब की बार हमको ठियेबंदी मिल गई। अनाज की उसकी कोई कमी नहीं है, हमको ठियेबंदी वाले लोग चाहिए थे, हमको पंजाब अब की बार मिला, सरदार कौम अब की बार मिली, इसको नहीं छोड़ना। कोली भर ली, इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। इसी से आंदोलन पूरे देश के फैसले यहां से ही होंगे। आपकी तरफ सब लोग नजरें देख रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ के जो 300 किलोमीटर का क्षेत्र है इसकी तरफ पूरा देश का किसान नजरें देख रहा है। कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठे हुए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सब जगह आंदोलन चल रहे, वे खबरें आप तक नहीं आएगी। इन्हें प्रेस वालों को कुछ नहीं कहना, मीडिया वालों को घुमाओ, अपने कैंप पर दिखाओ, इनको कुछ नहीं कहना। कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का पहरा है, जितनी खबर दे रहे हैं, अगर खबर गलत दे रहे हैं तो उसको समझना कि खबर सही है। इनकी मजबूरी है दिखाना, इनको घुमाओ, इनको दिखाओ, जब इतिहास लिखा जाएगा तो सारी चीज लिखेंगे। अगर कोई मीडिया के लोग हमारे पक्ष में दिखाना चाहते हैं, उनके ऊपर छापे लग रहे हैं, उनको केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनको मान लिया गया कि ये किसानों के साथ में है, ये अत्याचार है, लोकतंत्र की हत्या है पूरी। बंदूक का पहरा कैमरा और कलम पे है, ये नहीं होगा देश में। जिनको राज करना वे राज कर रो। और दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूं, ये आंदोलन पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी इसमें से वोट तलाशने मत आना। ये रोटी का आंदोलन है, ये रोटी का ही आंदोलन रहेगा, ये अनाज का आंदोलन है, ये अनाज का ही रहेगा, ये वोट का आंदोलन नहीं है। कोई भी ये ना समझना कि यहां से किसी को समर्थन हो जाएगा, ना यहां ना उनके लिए मंच है ना उनके लिए माइक है। वे आएंगे, नीचे बैठो, अपने लोगों से बात करो और चले जाओ। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी जत्थेबंदी से भारत सरकार बात नहीं करेगी, हमारे जो इशू है उस पर काम नहीं होगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम पूरे देश में जाएंगे, हमारा अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन से जोड़ना है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में लेकर आओगे, ना हमारा दिल्ली का मकसद नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी थी उन्होंने किसानों को अपनी रैलियों में ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था करी। नहीं, अगर कोई आदमी आंदोलन में आएगा वो ट्रैक्टर से आओ, वो ट्रैक्टर से जुड़ो। हम तमिलनाडु उसमें सब जगह जाते हैं, कहीं 1,000 ट्रैक्टर आते हैं, कहीं 500 ट्रैक्टर आएंगे। जो भी आंदोलन में ट्रैक्टर आएगा उसको दिल्ली के आंदोलन का हिस्सा माना जाएगा। उसका आंकड़ा करीब करीब 40 लाख का टारगेट हमने रखा है। हम 40 लाख ट्रैक्टरों को इस आंदोलन से जोड़ेंगे। आपने हमारी बात सुनी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय जय संगू बॉर्डर। बढ़िया जी, एक चीज और बता देना चाहता हूं भाई, बहुत लोग हमारे नारे लगावे हमने कुछ नहीं करा, ठीक है ना, हमको करने वाले जो भी करा है वे 40 लोग हैं हमारे, एक भी जत्थेबंदी कमजोर कड़ी नहीं है। इस सारे आंदोलन का श्रेय उनको जाता है, इन मंच को जाता है, संगू बॉर्डर को जाता है, ये सब उनको जाता है। ये जो भी करा है, ये फैसला हमने सरकारों को कहा है कि फैसला प्राकृतिक होगा। अब ध्यान से सुन लेना।
ये हुआ क्या उसको ध्यान से आप सुन लेना, क्या था ये जो मजरा क्या था, बेहतरवा गणतंत्र दिवस था। बेहतरवे गणतंत्र दिवस का मतलब है कि उसका अंक बैठता है 9। ध्यान से सुन लेना कि क्या मजला था सर, आपकी सबकी समझ में आ जाएगा। बेहतरवा गणतंत्र दिवस था जिसको इन्होंने 26 जनवरी को, उसका अंक था 72 का 9। 9 का अंक होता है गुरु का। इन्होंने गुरु के शिष्यों को, गिरी गुरु परंपराओं को छेड़ने की कोशिश करी है और इसमें कुछ नहीं है। मैं गुरु परंपराओं को मानने वाला आदमी हूं, मैं जानता हूं गुरु परंपराएं क्या है, आप लोग भी वही लोग हैं। इन्होंने उनको छेड़ने की कोशिश करी तो ये उसका रिएक्शन था पूर्ण रूप से। इसके ऊपर ले वाले जो भी फैसला करेगा, इसका ऊपर ले वाला फैसला करेगा, इसका फैसला करने वाला कोई और है, ये सारी चीजें वो थी। आप उसी पे ही ध्यान लगाना, हमको जो बचाया है 9 के अंक ने बचाया है, और 9 का अंक है गुरु का अंक है। सब लोग गुरु को मानने वाले लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं हो सकता, हमारी जीत होगी, लड़ेंगे जीतेंगे। और दूसरा एक नारा यहाँ का है, हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, दोनों चीजें हैं। एक आज एक माई का फोन आया गांव से कि हमारा बेटा आपके वहां पर ड्यूटी दे रहा है, वो पुलिस में है, उसका आज जन्मदिन है। मका तो जन्मदिन हम मनाएंगे, हमने सुबह ही केक मंगाया, 11 बजे उसका जन्मदिन मंगाया, हमने बताया नहीं कि किसका जन्मदिन था। पूरे किसानों ने वहां पर केक मंगाया, पुलिस फोर्स को दिया और अपने आप खाया और जन्मदिन मनाए, क्योंकि वो भी तो हमारा ही है ना, उसका जन्मदिन किसान मनाएगा, जवान का जन्मदिन किसान मनाएगा, हताश होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा।